हाय बच्चों, कर दिया कमाल हम लोगों ने। मेरे बेटा अभी अभी खत्म हुआ है सीए फाउंडेशन जून 2023 का अकाउंट्स का पेपर, और उसकी सारी डिटेल आपके सामने है। वी आर प्रेजेंटिंग द पेपर डीकोडिंग ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स जून 2023। मैंने आपको लिस्ट ऑफ 79 क्वेश्चंस दिया था, उसके अलावा मैंने आपको प्रीवियस ईयर और आरटीपी के क्वेश्चंस कराए अपनी सुपर क्वेश्चंस की सीरीज में यूट्यूब के ऊपर, और आपके सामने है रिजल्ट। ध्यान से देखिए, आज टॉपिक नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट ए, ट्रू फॉल्स आया। सारे ट्रू फॉल्स बहुत इजी थे, और जैसा कि मैंने कहा था, केवल और केवल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के नहीं, सारी अकाउंटिंग के आएंगे। हमने सारे ट्रू फॉल्स कवर करे हुए थे क्लास में, पूरे के पूरे 12 नंबर, जिसमें आज सुबह थ्योरी जो कराई थी उसके अंदर के भी ट्रू फॉल्स थे। उसके बाद लो जी लो, क्वेश्चन नंबर वन पार्ट बी शॉर्ट नोट्स के अंदर भी कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी जैसे कॉन्सेप्ट आए थे, आज सुबह हमने क्लास में करे थे। क्वेश्चन नंबर वन सी सेल्स बुक, ये हमने 22 जून को जब मैराथन कराई थी उसके अंदर एग्जैक्टली यही सवाल मैंने डाला था क्वेश्चंस में आपको करने के लिए, और वैसा ही सवाल आया। हां, टू का ए डेप्रिसिएशन का सवाल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एसेट डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल को मैं बार बार कह रहा था कि भाई बहुत सालों से एसेट डिस्पोजल नहीं पड़ा है, लेकिन इस बार एसेट डिस्पोजल आएगा तो आया। फिर टू बी का बीआरएस 5 नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं थी। टू सी इन्वेंट्रीज 5 नंबर, हू एग्जैक्टली, बस फिगर्स चेंज थी, लिस्ट ऑफ 79 क्वेश्चन से आया था। 3A कंसाइनमेंट 10 मार्क्स, लिस्ट ऑफ 79 क्वेश्चन से आया था। 3B बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क्स, लिस्ट ऑफ 79 क्वेश्चन से आया था। एवरेज ड्यू डेट हमने मैराथन जो करी हमने 23 तारीख की, उसके अंदर कवर करा। एनपीओ से मैं बहुत खुश हूं, 15 नंबर का सवाल एनपीओ का, लिस्ट ऑफ 79 क्वेश्चन का सवाल था, मेडिकल एड सोसाइटी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाला। हां, पार्टनरशिप, बेसिक्स पार्टनरशिप, इजी क्वेश्चन था। पार्टनरशिप का जो 5वां सवाल आया था वो एक्चुअली बच्चों को डिफिकल्ट लगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन मेरे बेटा वो मिक्स था बहुत सारे टॉपिक्स का, तो वहां आपको स्टेप वाइज मार्किंग जरूर मिलेगी। 6A कंपनीज, लिस्ट ऑफ 79 क्वेश्चंस का सिमिलर क्वेश्चन था। और 6B जर्नल, पाम ने प्री एग्जाम मैराथन जो 22 तारीख की करी थी उसके अंदर कराया था। तो ओवरऑल पेपर अच्छा रहा, केवल एक पार्टनरशिप का सवाल था जो थोड़ा डिफिकल्ट था, और अगर हम देखें लिस्ट ऑफ 79 क्वेश्चन तो 12, 6, 12, 4, 16, 16, 5, 21, 21, 10, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 56, 56, 56, 56, 56 के बाद और 20 नंबर जोड़ दें तो मोटा मोटा 70-72 नंबर का सवाल हमारे एग्जैक्टली हूबहू सिमिलर आया हमारे लिस्ट ऑफ 79 क्वेश्चन से। अब आपका सारा फोकस लॉ पे होना चाहिए, आपने जो करा अकाउंट्स में बहुत बढ़िया करा, कोई टेंशन मत लेना, आप अकाउंट्स में पास हो, पास नहीं अच्छे मार्क्स से पास हो। अगर आप 80 प्लस का नंबर का अटेम्प्ट करके आए हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लॉ की तैयारी करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।